नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। ये मेथड ऑफ टीचिंग है। शिक्षण विधि, कई प्रकार की हमारी शिक्षण विधियाँ होती है, जिनमें से आगमन विधि भी एक प्रकार की हमारा मेथड है, विधि है, जो कि हम शिक्षण के समय, टीचिंग के टाइम पर हम उनको यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आगमन विधि क्या है, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे और साथ ही साथ इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी हम देखेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। दोस्तों, इस विधि में विशेष तथ्य, घटना, उदाहरण आदि के निरीक्षण या विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। मतलब कोई विशेष तथ्य है, कोई फैक्ट है, या कोई घटना हुई, या कोई एग्जाम्पल है, उसके द्वारा हम उस एग्जाम्पल का निरीक्षण करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और उसका ऑब्जर्वेशन के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेंगे, उनका ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक जनरल रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो उसी को ही हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ आते हैं। जो हमारा रूल होता है वो एक जनरलाइज होता है, मतलब सभी क्वेश्चंस के लिए वो जनरल रूल है, सभी क्वेश्चन में अप्लाई होता है वो। तो हम एक सिंपल, एक विशेष एग्जाम्पल से हम जनरलाइजेशन की तरफ चलेंगे, एक एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलेंगे। हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इन दिस मेथड जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स आर क्रिएटेड बाय ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग द स्पेशल फैक्ट एंड इवेंट्स। कोई स्पेशल फैक्ट है, इवेंट्स है, कोई स्पेशल एग्जाम्पल है, उनको हम ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे और एक रूल या प्रिंसिपल्स को हम क्रिएट करेंगे। इनके जो हमारे जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो ये होते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बाद ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, पहले ये आपको समझ में नहीं आएंगे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये एक रूल होता है हमारा, हमें पता है कि इस इंडक्टिव मेथड में हमें रूल की तरफ जाना है, हमें रूल खुद क्रिएट करने हैं, कोई भी रूल्स हो मैथ्स के, ठीक है। तो हमें, हमारे पास एक रूल्स होता है कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी जो हमारे ट्रायंगल्स है उनके अगर हम सभी एंगल्स देखें और उनको ऐड करें तो वह कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। अब ये हमारा रूल है, जनरलाइजेशन है, ठीक है। कोई भी हमारे पास ट्राइंगल, किसी भी तरह का हमारे पास ट्राइंगल हो, चाहे वो स्केलन ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो हमारे पास, वो सभी के लिए सेम रूल है कि सभी के एंगल्स का जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? इंडक्टिव मेथड में हमारे पास ये रूल नहीं होता, हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको ऑब्जर्व करके हम इस रूल को बनाते हैं। तो इसको, रूल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टीचर्स हमें कुछ ट्राइंगल्स बना के देंगे, अलग अलग शेप में बोलेंगे कि भाई ट्राइंगल्स बनाओ जैसी भी शेप आपको पसंद हो, चाहे वो स्केलन ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, ठीक है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, आपको चार पांच शेप्स ट्राइंगल की बनाकर दे देंगे। अब आपको बोलेंगे टीचर्स कि इन सभी ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं उनको मेजर करें। तो आप क्या करेंगे, चांदी से मेजर करेंगे सभी एंगल्स को। हमने कोई एक ट्राइंगल बनाया, उसके हमने अंदर के जो एंगल्स हैं उनको मेजर करना स्टार्ट कर दिया चांदी की मदद से। तो हम क्या करेंगे, कोई एंगल हमारा 30 डिग्री का निकलेगा, कोई कितने 90 डिग्री का निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग मेजरमेंट्स निकलेंगी। इसी तरह से आपने चार पांच ट्राइंगल्स लिए और सभी को मेजर किया। अंत में टीचर आपसे पूछेगा कि जो ट्राइंगल्स के जो एंगल है उन सभी को सम करके लिखे, ऐड करके लिखे, ठीक है। आप सभी को ऐड करेंगे और सभी ऐड करके क्या आएंगे, 180। तो आपने जब एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया, उनको एनालाइज किया, तो आपने क्या पता किया कि जितने ट्रायंगल चाहे कैसे भी उसमें हो, शेप में हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, अगर हम उनके एंगल्स को मेजर करके उनको ऐड करते हैं तो वो सभी 180 डिग्री आते हैं। ये आपने एक रूल निकाल लिया अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इंडक्टिव मेथड्स। हमने एक सिंपल एग्जांपल्स लिए कुछ, उनको ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और एक सिंपल जो रूल, जनरलाइजेशन रूल है, उसको निकाल लिया। हमें पहले इस रूल के बारे में नहीं पता था, इस रूल को हमने खुद क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंडक्टिव मेथड। अब इसके एक बार शिक्षण सूत्र देख लेते हैं, जो हमने कहा था कि एग्जाम्पल के बाद देखेंगे। इसमें जो शिक्षण सूत्र
हुए वो क्या हुआ, सबसे पहला हुआ विशेष से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन। हमारे पास एग्जांपल स्पेसिफिक थे, हमने एक स्पेसिफिक चार पांच शेप्स ले ली थी, ठीक है, उनके एंगल मेजर किए थे और उनको ऐड किए थे, और उसके बाद एक जनरलाइज फॉर्म की तरफ चले, एक जनरलाइज रूल की तरफ चले, जो हर एक उसमें, उसके बाद हमें सब में मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी दो एंगल दिए हुए, हम थर्ड एंगल अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि हमें वो रूल पता होगा कि तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। हमारे पास जो पहले चीज़ थी, वो हमारे पास ज्ञात थी, नोन चीज़ थी, ट्रायंगल्स थे कुछ, ठीक है। अब हम ट्रायंगल्स के रूल्स निकाल रहे हैं, तो ट्रायंगल्स के बारे में तो हमें पहले से पता होगा ना, ये तो ऑब्वियसली सी बात है। ट्रायंगल के बारे में नहीं पता तो हम ट्रायंगल के रूल्स कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ट्रायंगल्स थे जो कि हमारे पास नोन थे, ज्ञात थे, हम जानते थे उनके बारे में, और उसके बाद हमने उनको सॉल्व करके क्या निकाला, एक अज्ञात चीज़ जो कि हमें पहले से नहीं पता थी, अननोन चीज़ थी, फॉर्मूला, ठीक है। सरल से जटिल की ओर हो गया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम इनके गुण और दोष क्या क्या हैं हमारे इंडक्टिव मेथड्स के आगमन विधि के। गुणों को अगर हम बात करें मेरिट्स के बारे में, तो इसमें जो है वो छात्र स्वयं सीखते हैं, स्टूडेंट्स लर्न देमसेल्फ। स्टूडेंट्स ने खुद ही ट्रायंगल बनाए, खुद को मेजर किए, उनको ऐड किया, और उनको ने खुद ऑब्जर्व करके निकाला कि सभी के जो सम है वो 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो स्वयं सीखते हैं, और जो प्राप्त ज्ञान है वो लंबे समय तक रहता है, जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं वो लंबे समय तक रहेगी। हमने फॉर्मूला, एक फॉर्मूला निकाला, ठीक है, तो वो हम जल्दी से भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने उसको खुद से ही क्रिएट किया है, खुद से ही बनाया है, वो हम जल्दी से नहीं भूलेंगे, ठीक है। छोटी कक्षाओं में उपयोगी, यूजफुल फॉर स्मॉल क्लासेस, जैसे प्राइमरी लेवल पर हम कह दें तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, इस तरह की क्रिएटिवनेस उनमें आती है, और साथ ही साथ वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। उसी तरह से दोषों की अगर हम बात करें कि डिमेरिट्स क्या क्या हैं इस विधि के, तो इसमें अधिक समय लगता है, टेक्स मोर टाइम। अब एक सिंपल सा एक फॉर्मूला निकालने के लिए कि त्रिभुज के सभी कोणों का अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसके लिए उन्होंने कितना लंबा प्रोसेस लिया और कितना ज़्यादा टाइम लिया, तो ये एक दोष है कि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट है बड़ी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है, नॉट यूजफुल फॉर हायर लेवल। अगर हम बड़ी कक्षाओं की बात करें तो उसके लिए ये यूजफुल नहीं है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में जो हमारा सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम हर फॉर्मूले को इस तरह से कराने लगे तो सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये उसके लिए उपयोगी नहीं है। सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता, कॉन्ट यूज्ड एवरीवेयर। हम हर फॉर्मूले में इसको यूज नहीं कर सकते, हर फॉर्मूले को क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ गुण और दोषेस इंडक्टिव मेथड के। तो हम समझ गए होंगे कि इंडक्टिव मेथड क्या है। सिंपल, हमारे पास एग्जांपल होती है, कोई बात हमें जो पहले से पता है उससे हमने कोई फॉर्मूला या कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल हमने खुद क्रिएट किया। हमें जो चीज़ पता है उससे कोई ऐसी चीज़ बनाई है, ऐसी चीज़ क्रिएट की है जो चीज़ हमें पहले से नहीं पता थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट विधि पर अगर हम चले तो वो है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। जो ये डिडक्टिव मेथड है बिल्कुल अपोजिट है इंडक्टिव मेथड का, बिल्कुल अपोजिट। जो भी चीज़ें आपने लिखे हैं बस उसको अपोजिट करके इसमें लिख दीजिए, पूरी आपकी निगमन विधि हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है जस्ट अपोजिट टू इंडक्टिव मेथड, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर एग्जाम में दोनों विधि आती हैं, आगमन और निगमन विधि को बताइए, तो आप पूरा का पूरा इसमें लिखेंगे। लिखना कैसे है वह मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल इसमें अपोजिट हो जाएगा। आगमन विधि में हमें क्या करते थे, हम सिंपल एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलते थे। उसमें क्या होगा, रूल हमें पहले बता दिया जाएगा, टीचर्स हमें बता देंगे कि जो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। उसके बाद कोई क्वेश्चन देंगे, हमें उसको सॉल्व करना होगा। सिंपल, जैसे कोई भी त्रिभुज का दो कोण दे दिए, तीसरा कोण निकालना होगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे और तीसरा कोण यानी थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो डिडक्टिव मेथड में हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसका अपोजिट करेंगे, हमें रूल्स पहले से पता होंगे और हम उससे कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वैसे ही आ जाएगा इसमें भी, इसमें विशेष से सामान्य की ओर है, तो डिडक्टिव मेथड में सामान्य से विशेष की ओर हो जाएगा। वैसे ही अज्ञात से ज्ञात की ओर हो जाएगा, जटिल से सरल की ओर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका अपोजिट करना है उसमें। वैसे ही गुण दोषों की अगर हम बात करें, तो गुण ये रहेंगे कि उस विधि में बहुत कम टाइम लगेगा। आपने सिंपल फॉर्मूला बता दिया, कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम, सिंपल कम से कम टाइम में निकाल सकते हैं। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा,
अगर हम बड़ी क्लास के लिए बात करें तो वो यूज़फुल रहेगा, हम जल्दी से जल्दी अपना जो हमारा सिलेबस है उसको कवर करा सकते हैं। वहीं अगर दोष की बात करें तो जो हमने नॉलेज हमने प्राप्त की है वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती, हम जल्दी से भूल जाएंगे। हमें क्लास में बताया फॉर्मूला कोई भी और घर जाकर हम भूल जाएंगे अगर हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो जो हम प्राप्त ज्ञान करते हैं वो अधिक समय तक नहीं रहता, जल्दी हम उसको भूल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बिल्कुल अपोजिट जो भी आपने इंडक्टिव मेथड में पढ़ा है उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा आपका डिडक्टिव मेथड में। एग्जाम्पल देख लेते हैं डिडक्टिव मेथड का। टीचर्स ने पहले क्लास में बता दिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया बच्चों के सामने, और उसके बाद उनसे क्वेश्चन कहा जाए कि 2 + 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, इसको ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है और फॉर्मूले से हमको स्पेसिफिक चीज़ निकालेंगे, किसी एक स्पेसिफिक यूनिक क्वेश्चंस की वैल्यू निकालेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहीं भी जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो जनरलाइजेशन है, किसी भी क्वेश्चन में हम रख सकते हैं। तो जो आगमन और निगमन विधि है ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के अपोजिट है। आगमन विधि में हम फॉर्मूलों का आगमन करते हैं, फॉर्मूलों का आगमन होता है, हम खुद से फॉर्मूलों को क्रिएट करते हैं। और निगमन विधि में फॉर्मूले हमें पहले ही बता दिए जाते हैं, उनसे हम सिंपल क्वेश्चंस को निकालते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा दोनों में मेन डिफरेंस। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, और आगमन निगमन विधि से लेकर जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आज के लिए धन्यवाद।